बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मंगलवार को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया। इस दौरान एडी बेसिक डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी और बीएससी बीएन सिंह में चयनित बच्चों को शील्ड व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एडी बेसिक डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने में सहयोग करने वाले शिक्षकों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें ब्लॉक के अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करने के लिए आह्वान किया। बीएससी बीएन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित 2021-22 में जनपद के 23 परिषदीय विद्यालयों में से 35 से अधिक छात्रों का चयन हुआ है, जिन्हें मंगलवार को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी शैलेश श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी अरुण सिंह, बीके राय, जिला समन्वय निर्माण रमेश कुमार, जिला समन्वय सामुदायिक सह भागिता अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह तथा एडी बेसिक डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, बीओ सर का हार्दिक स्वागत, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मूल धारा जो हमारे आदरणीय शिक्षक हैं जिनके सानिध्य में भी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है, क्योंकि आप ही वह धारा हैं जिनके सानिध्य में बच्चे सदैव आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही इस परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से बेसिक शिक्षा परिषद के बेसिक शिक्षा परिषद आप सबको हार्दिक बधाई देता है और आशा करता है कि निरंतर प्रगति पथ पर आप सब बढ़ते रहेंगे। इसलिए तो सर्वप्रथम आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध है, 18 से जो अध्ययन किया जा रहा है उसमें निरंतर 18, 19, 20 और 21 का आंकड़ा है, जिसमें हमारे बेसिक के बच्चे इस कार्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम उन गुरुजनों को विशेष रूप से बधाई देते हैं जिनके प्रयास से यह सफलता और आज ये विकास भवन का जो सभा कक्ष है जिसमें बच्चों को आने का एक पहला अवसर प्राप्त हुआ है, अपने आप में हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेसिक परिवार के लिए गौरव की बात है। और हम अपने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सर का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, यदि आप काफ़ी व्यस्त थे, कहीं प्रोग्राम भी है, इसके लिए इसके बाद भी आपने समय दिया। हमारे समन्वयक खंड शिक्षा अधिकारी जो इस व्यवस्था में लगे हैं उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और सबसे अगर आज बेसिक शिक्षा परिवार गोरखपुर इस प्रगति के पथ पे चल रहा है तो जिसमें सबसे अधिक भूमिका रही है उसमें मीडिया की रही है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि हमारे अध्यापक के सारे अच्छे कार्यों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, जिससे लोगों के अंदर, हमारे शिक्षक के अंदर, साथ ही साथ जन सामान्य जो एक तरह से बेसिक को किसी दूसरे नजर से देखता था लेकिन नकारात्मक करें, लेकिन आज बिल्कुल लोगों का नजरिया ही बदल गया है। कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां अब एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, मेरी जानकारी में नगर के भी 2-3 स्कूल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी। तो ये मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारी बात को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया, इसके लिए उनका विशेष रूप से आभार। हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सर की अगर अनुमति हो बच्चों को पुरस्कार क्या होगा। मोनिका चौरसिया कंपोजिट विद्यालय रुद्रपुर पिपराई, मिस्टर शनी कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय पढ़नी सिकेंड भरोहिया, बोल सकता है
आज 36 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, ये संख्या और भी हो सकती है। विगत ये सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसमें बच्चों को कक्षा 12 तक 1,000 रुपये मासिक मिलता है पढ़ाई के लिए गरीब छात्रों को। तो ये परीक्षा विगत 3-4 वर्षों का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 2018 में 15 छात्र सम्मिलित हुए थे जिसमें 4 सफल हुए थे, फिर 19 में 110 की अपेक्षा 34 सफल हुए थे, 2020 में 189 के सापेक्ष 75 और 2021 में 148 बच्चे सम्मिलित हुए थे जिसमें 36 प्लस अभी कुछ और भी आएंगे रिजल्ट, तो सफल हुए हैं। और इनको बच्चों को एक तरह से ये होता क्या है कि हम लोग इनको भूल से जाते हैं, तो उनको मुख्य धारा से और बच्चों के अंदर उत्साह बढ़े और ये कार्यक्रम सारे लोगों तक पहुंचे, जिससे हमारी प्रतिभागता बच्चों की प्रतिभागता और अधिक बढ़े, इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। CDO सर की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन उनके नेतृत्व में ही किया गया है और हमारे AD साहब इसके मुख्य अतिथि हैं, जिनके द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। और बच्चों के प्रति यह बेसिक शिक्षा की प्रतिबद्धता है कि बच्चे आगे बढ़ें, जिससे कि देश का, राष्ट्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, जनपद का प्रेरक जनपद बने, इस उद्देश्य से आयोजन किया गया। पूरे जनपद के बच्चों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी 3 सालों से लगातार, 3 सालों तक लगातार, और उसमें जो बच्चा जो है सबसे पाया था उसको जो है यहाँ पुरस्कृत किया गया है। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बच्चों का मनोल्लास बढ़ेगा, उनको आगे जहाँ बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी, इसका लिए यह कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से ही बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और भविष्य में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो